डेवलपमेंट के हवाले से मैं ज़रा डिटेल के साथ बात करना चाहूँगी डॉक्टर आरिफ सिद्दीकी साहब के, सेल्फ डेवलपमेंट की तरफ हमारे यहाँ तवज्जो बिल्कुल भी नहीं है, मैं ये समझती हूँ, आप मेरी बात से एग्री करते हैं? 100% 100%। क्या स्कूल हैं, क्या कॉलेजेस हैं, क्या यूनिवर्सिटीज़ हैं, या फिर इसके अलावा कोई और इंस्टीट्यूट है, उसमें हम देखें तो हमारे यहाँ जो कॉन्फिडेंस बच्चे के अंदर होता है या जो उसकी पर्सनैलिटी होती है उसको भी डाउन कर दिया जाता है? बच्चे से मुराद स्कूल का बच्चा नहीं, यूनिवर्सिटी का भी बच्चा, जो भी तालिबे इल्म स्टूडेंट है, जो क्या समझते हैं कि ऐसा क्यों है? देखिए, मार्केट वो चीज़ फरोख्त करती है जो आप लेने के लिए जा रही हैं। ठीक है, ये कलर जो आपने पहना हुआ है, अगर ये कलर लड़कियां लेना बंद कर दें तो ये कलर बिकना बंद हो जाएगा, वेरी सिंपल। ओके, अच्छा, अब ये है कि स्टूडेंट्स के जो वालदैन हैं सबसे पहले वो जाते हैं, अगर आप पूछें कि वो उनका इंटरव्यू जो हो रहा होता है प्रिंसिपल या स्कूल कोऑर्डिनेटर के साथ, तो यही पूछ रहे होते हैं कि बच्चे के नंबर कितने आएंगे, कितने बच्चे डॉक्टर बनते हैं आपके इदारे से, कितने इंजीनियर बनते हैं, जो जो उनके जहन में है। okay. वो सवाल मादी जिंदगी के इन पहलुओं के हवाले से हो रहा होता है, है। वो कॉन्फिडेंस की, वो कैरेक्टर बिल्डिंग की तो बात ही नहीं करते। आप अपने पेरेंट्स से पूछिए, साथ से पूछिए कि कितने बच्चों के वालदैन ने आके ये कहा कि हमें अपने बच्चे में कॉन्फिडेंस चाहिए, कितनों ने कहा कि उसकी कैरेक्टर बिल्डिंग को जोर दे। अब जब आपकी डिमांड ही नहीं है तो एजुकेशन इज नॉट अ बिजनेस, मिशन वाली बात तो खत्म हो गई। शायद कि 10,000 में से एक स्कूल ऐसा हो जो प्योरली मिशन बेस्ड हो, बट एक्चुअली दिस इज एन इंडस्ट्री नाउ, और इंडस्ट्री बिजनेस है। तो बिजनेसमैन ने आपको वो चीजें देनी है, वो प्रोडक्ट्स देनी है जिसकी डिमांड है। तो आपकी डिमांड है मार्क्स, वो आर्टिफिशियल तरीके से आए वो आपको दे देते हैं। ठीक।